नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच कामगार संघटना संप पुकारण्याच्या तयारीत आहे. हे संप देशभरात असून संपूर्ण कामगार संघटना यामध्ये सहभागी होतील असा इशारा कामगार संघटनांनी दिला आहे. कामगार संघटनांनी पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला म्हणजेच 8 आणि 9 जानेवारीला देशभरात काम बंदची हाक दिली आहे. उद्योगनगरी अर्थातच पिंपरी चिंचवडमध्ये ह्याची घोषणा करण्यात आली. कामगारावर होणारे अन्याय आणि मालक दार्जिने कायद्यातील बदल हाणून पाडण्यासाठी भाजप विरोधी ह्या कामगार संघटना एकत्रित आल्या आहेत. यासह कंत्राट प्रथा बंद करून त्यांना सेवेत कायम करा, बोनस आणि PF मिळण्यासाठी कमाल वेतन मर्यादा रद्द करा अशा 12 मागण्या काम बंद संपातून करण्यात येणार आहेत. ये हमारा प्रोटेस्ट बताना चाहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो आप उनका पॉलिसीज है एंटी लेबर पॉलिसीज मजदूर के विरुद्ध में, मजदूरों के जीवन के विरुद्ध में, नौकरी के विरुद्ध में जो पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, जो रास्ता निकाल रहे हैं जिससे वर्कर को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में डालना, वर्कर का जीवन के साथ खेलना, इस तरह के व्यवहार में परमानेंट वर्कर को रिड्यूस करना, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को निकाल के फिर अपने नीम वर्कर को दूसरे और कैजुअल टाइप ऑफ वर्कर के हिस्से से रखना, कम पगार में रखना, मिनिमम वेज से भी कम पगार देना, इस तरह की बातों में वर्कर्स का जो जीवन है वो खराब होने वाली है, दुर्बल होने वाली है. इसलिए हम लोग सब मिलकर तय किए, कई दफ़ा रिप्रेजेंटेशन किए, मैनेजमेंट गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ मालिकों को मदद करना चाहते हैं. ये कहते हैं बार बार कि हम इस देश के अंदर नया फैक्ट्री रखना चाहते हैं, नया इंडस्ट्री लाना चाहते हैं, इसलिए मालिकों को सपोर्ट कर रहे हैं.